LIC की लिस्टिंग लोगों को रास नहीं आई। बहुतों के पैसे IPO के टाइम से LIC में फंसे हुए हैं। वो लोग अब समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। सरकारी कंपनी है इसलिए विश्वास तो बना हुआ है, लेकिन कब तक और कितना इंतजार किया जाए इसका फिलहाल कोई सटीक जवाब नहीं है। लेकिन सरकार बहुत जल्द एक हल लोगों की इसी परेशानी के लिए निकाल सकती है। उसके बाद देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में बड़ा फेरबदल होगा और लोगों की किस्मत भी सरकार के इस फैसले से बदल सकती है। क्या है वो फैसला और कैसे होगा ये बड़ा बदलाव, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। दरअसल LIC की सुस्त लिस्टिंग से आम लोग ही नहीं बल्कि सरकार भी परेशान है। इसलिए सरकार ने LIC में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के CEO की हायरिंग करने की पहल की है। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब रहती है तो LIC के 66 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्राइवेट सेक्टर के CEO को LIC को संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और जाहिर है सरकार के इस कदम से उन निवेशकों को राहत जरूर मिलेगी जिन्होंने LIC में निवेश कर रखा है। आपको बता दें LIC करीब 41 लाख करोड़ रुपए के फंड को मैनेज करती है। फिलहाल LIC का कामकाज और उसकी जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। अभी LIC में एक चेयरमैन होता है, लेकिन मार्च 2023 में चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये पद खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद सरकार प्राइवेट सेक्टर के एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नियुक्त करेगी। ऐसा करने के लिए सरकार ने LIC के नियमों में भी बदलाव किया है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि LIC को संभालने के लिए नए अधिकारी को किस सेक्टर से लाया जाएगा। जहां तक बात LIC की है तो जैसा कि आप जानते हैं LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। देश के इंश्योरेंस कारोबार में LIC की 60% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। वहीं IPO की बात करें तो LIC IPO 3 मई को ओपन हुआ था और 9 मई को बंद हो गया था। सरकार ने इस कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए हासिल किए थे, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर्स ने LIC में 5.93 करोड़ शेयर खरीदे थे। वहीं इन्वेस्टर्स को LIC के शेयर में 949 रुपये पर शेयर जारी किए गए थे। उस समय देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी एंकर इन्वेस्टर्स ने LIC में पैसा लगाया था। हालांकि इसमें घरेलू इन्वेस्टर्स ने ज्यादा निवेश किया था। इन निवेशकों में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, SBI म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड उस समय शामिल थे। वहीं दूसरी ओर LIC के पॉलिसी होल्डर्स ने भी इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई थी। पॉलिसी होल्डर्स का कोटा 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह डिस्काउंट भी रहा था। LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को प्रति शेयर 60 रुपए का डिस्काउंट दिया था। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रति शेयर 45 रुपए का डिस्काउंट मिला था। शायद यही कारण रहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इस इशू में काफी दिलचस्पी दिखाई। लेकिन अब सारे के सारे परेशान हैं। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार का ये नया फैसला लोगों को राहत देने वाला होगा।